नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन 4 का हल करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, भाग एक में क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, इसको हल करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी ये गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखें तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये शून्य से शुरू होता है और ये एक से शुरू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक, देखिए सभी प्राकृत संख्या, देखिए पूर्ण संख्या है, देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों, देखिए शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्योंकि देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। ठीक है, देखिए भाग दो क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, पहले पूर्णांक को हम लोग समझते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है, देखिए देखिए प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जीरो शामिल कर दिए तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया, और इसमें ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 इधर भी है, अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ये देखिए, यह पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य नहीं, क्योंकि देखिए इसका आंसर लिखना है असत्य, असत्य, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए ये पूर्णांकों का समूह है तो ये सभी पूर्णांक में आ गया। तो देखिए -4 भी पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या यहाँ से आएगा, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर लिख दिया असत्य, क्योंकि 2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कर रहा है, भाग 3 में प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि देखिए 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर 0 लेवल मैथ पार्ट 12 और पार्ट 13 देख सकते हैं। ठीक है, 13 देखने के बाद आपके एक भी डाउट्स नहीं रह जाएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, वीडियो यही अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें।